हेलो एवरीवन, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो का मेन पर्पस ये है कि आप लोगों को इस चीज़ का क्लियर कर दिया जाए कि यूईटी ने ई कैट को पोस्टपोन नहीं किया। बहुत सारी र्यूमर्स बच्चों में फैली हुई हैं, बच्चे समझ रहे हैं कि ई कैट को पोस्टपोन कर दिया गया है, ई कैट को कैंसिल कर दिया गया है। सो उस चीज़ की आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग सबसे पहले हम यूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम वेबसाइट पर हम देख सकते हैं कि इन लोगों ने क्लियरली इधर लिखा हुआ है कि कंबाइंड एंट्री टेस्ट होगा, ऑन स्केड्यूल होगा 24 मई से 27 मई। आप लोग देख सकते हैं 24 मई से 27 मई तक होगा, और जो टोकन की अवेलेबिलिटी है वो 12 अप्रैल से 17 मई। आज 6 मई हो गई है, तो अभी तक जिन बच्चों ने नहीं लिया टोकन, वो टोकन जल्द से जल्द परचेज कर लें क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं रह गया। और ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा मौका है आप लोगों के पास यूईटी जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, क्योंकि देखिए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्जाम्स का तो अभी कुछ भी पता नहीं है। सो यूईटी इस बार अपना ईकेएल यूईटी में एंट्री टेस्ट की बेस पे ही और मैट्रिक के रिजल्ट की बेस पे ना आप लोगों का एडमिशन कंफर्म हो सकता है। मैट्रिक में बहुत ज़्यादा बच्चों के मोस्टली 900,000 इस तरह मार्क्स होते हैं, तो यानी कि अब आप लोगों के पास जो दो चांसेस है उसमें से एक चांस पे तो आप लोग पूरा उतरे हुए हैं। जस्ट ई कैट की प्रिपरेशन कर लें तो सब कुछ अच्छा अच्छा सा हो जाएगा, आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा। अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। न्यूज़लेट वाला ये वाला सेक्शन, इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि एज ऑफ टुडे एंट्री टेस्ट इज ऑन स्केड्यूल, यानी कि एंट्री टेस्ट अभी अपने स्केड्यूल पे ही है। बट इफ एनी इंस्ट्रक्शन आर रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट टू पोस्टपोन इट, इट विल बी एडवर्टाइज ऑन द एडमिशन पोर्टल। उन्होंने कहा है कि एंट्री टेस्ट अभी तो अपने स्केड्यूल पर ही है, बट अगर गवर्नमेंट ऐसा कोई ऑर्डर इशू करेगी कि आप लोग इसको पोस्टपोन कर दें, तो पोस्टपोन कर दिया जाएगा। और पोस्टपोन करने के बाद इसी एडमिशन पोर्टल वाली यानी कि यूईटी की इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड। वैसे इस बात के चांसेस हैं कि कैट को पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरह कोरोना की सिचुएशन हुई हुई है ना, इस बात के चांसेस हैं। बट अभी ऑन स्केड्यूल है, आप लोगों ने बस इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि ईकैट होगा, अपने स्केड्यूल पर ही होगा, और आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है, अपना 100% देना है। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिएगा। अगर कोई क्यूरी हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे या FB पर पूछ सकते हैं। सेकेंडली थैंक यू, और अपनी तैयारी अच्छी करें। अल्लाह।